हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्पाइसी सैंडविच। उसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू और एक प्याज कटा हुआ, थोड़ी हरी मिर्च, और चटनी के लिए हमें चाहिए पुदीना, प्याज, अदरक, थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा 1 कप दही। तो सबसे पहले हम मिक्सी जार में चटनी का सामान डालकर और थोड़ा नमक और आधा चम्मच चाट मसाला डाल के चटनी को बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद हमने जो दही लेना है वो थोड़ा गाढ़ा लेना है और उसमें 4 चम्मच चटनी के मिला के इसको फेंट लेना है। और ये चटनी, स्पाइसी चटनी, एकदम रेस्टोरेंट की चटनी जैसी तैयार हो जाएगी। चलिए, उसके बाद हमने आलू के मसाले में नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और धनिया मसाला, चाट मसाला और एक हमने मसाला धनिया, सौंफ, जीरा और अजवाइन, इन चारों को भून के पीस के बनाया है। ये आप पीस के घर पे रख लें, जब भी सैंडविच बनाएं तो उसमें ये 2 चम्मच आपने मसाला डालना है। सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस पे सैजवान चटनी को लगा रही हूँ। आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड सॉस। उसके बाद आलू के मसाले को अच्छी तरह भर के दूसरी ब्रेड में हम लगा रहे हैं ग्रीन चटनी, स्पाइसी, जो हमने बनाई थी। नहीं तो आप पिज़्ज़ा सॉस से भी टॉपिंग कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। अब इसमें हम चटनी लगाकर 1 स्लाइस चीज़ की रखेंगे और ऊपर ये ब्रेड दूसरा रख देंगे। अब हम इसको बनने के लिए पैन में रख रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर 3री स्लाइसेस भी लगा सकते थे। अब आप इसको मीठी सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।